नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों आज देखिए हमारे पास ये दो मॉड्यूल है और दोनों मॉड्यूल जो है दोस्तों अलग अलग काम करते हैं। और ये मैं जो दोस्तों इसे ऑफलाइन लाया हूँ, आप अगर इसे लेना चाहते हैं तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, अमेजोन से आप जो है इसे बाय कर सकते हैं। तो इन दोनों के अंदर देखिए खासियत क्या है कि ये वाला जो कन्वर्टर है हमारा, ये वाला तो है जो हमारा वोल्टेज को बूस्ट करता है, ये वो है, ये वो मॉड्यूल है। और प्रीसेट से हम वोल्टेज को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और ये वाला जो मॉड्यूल है हमारा, ये वाला वोल्टेज को हमारा जो है डाउन करता है। इसके अंदर देखिए LM2596 जो है, इसके अंदर IC लगी हुई है यहाँ पर, ये रहा। तो ये जो है वोल्टेज को डाउन करेगा, यानी कि आप जो है इनपुट पे अगर 12 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पर आप चाहे 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट या 8 वोल्ट जितना चाहे उतना ले सकते हैं। और इस वाले कन्वर्टर से ये होगा कि आप यहाँ पर इनपुट पे अगर 3.3 वोल्ट भी दे सकते हैं देंगे तो यहाँ पर आप आउटपुट पे ज़्यादा वोल्टेज ले सकते हैं। तो दोनों को देखिए मैं टेस्टिंग करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो बूस्टर है मैं उसे चेक करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा बूस्टर है और इसके अंदर जो है हम यहाँ पर बैटरी को इनपुट करेंगे। तो देखिए दोस्तों 3.7 वोल्ट हमारी बैटरी है और इनपुट यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए इनपुट पे माइनस प्लस आपको देख के लगाना है और आप जैसे ही माइनस प्लस को लगाएंगे, माइनस प्लस जैसे ही ये लगेगा तो यहाँ पर एक ब्लू कलर की LED जो है वो ब्लिंक हो जाएगी। अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीमीटर को लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मीटर को मैं साफ़ कर देता हूँ बिल्कुल क्लियर, जो आपको एकदम सही दिखाई दे। तो इस सर्किट को यहाँ, तो मीटर देखिए, मीटर अब बिल्कुल साफ़ आ गया। अब इस सर्किट के अंदर देखिए यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है देखिए वो आ रही है यहाँ पर 3.8 के आसपास, और आउटपुट पे जो हमारी वोल्टेज है अब तो वोल्टेज इसमें ज़्यादा आ रही है। देखिए इसमें 20 के अंदर रीडिंग भी नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 21 वोल्टेज आ रही है। अब हम क्या करते हैं प्रीसेट से एडजस्ट करके इसके अंदर देखते हैं कि वोल्टेज जो है हमारी कितने अब तक हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 22, यानी कि जो हमारी 3.3 वोल्ट है वो हमारी बढ़ते जा रही है, ये देखिए। तो देखते हैं ये हमारी वोल्टेज जो है कहाँ तक जाती है। तो देखिए 25 वोल्ट तक चली गई है हमारी जो 3.3 वोल्ट है। तो हम इसको क्या करते हैं 12 वोल्ट के ऊपर सेट करते हैं और इसके अंदर 12 वोल्ट की एक LED लाइट को जला के देखते हैं। तो पहले मैं इसे 12 वोल्ट के ऊपर ले आता हूँ। तो ये देखिए 12.5 के ऊपर आ गया है हमारा मीटर और यहाँ पर 3.7 वोल्ट की बैटरी है। तो अब हम क्या करेंगे इस कन्वर्टर से जो है, और दोस्तों इस कन्वर्टर से जो आप 3 एम्पियर तक का आउटपुट ले सकते हो। अब इससे हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट की जो LED लाइट होती है हमारी, जो 12 वोल्ट की हम बैटरी से जलाते हैं, अब हम इस कन्वर्टर से जला के देखते हैं कि 3.7 वोल्ट से हमारी 12 वोल्ट की बैटरी जो है वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो देखिए दोस्तों 12 वोल्ट जो है हमने इस पर देखिए सेट कर दिए बिल्कुल, ये देखिए मैं मीटर को ज़रा यहाँ रख देता हूँ जो आपको क्लियर दिखाई दे। तो देखिए 12 वोल्ट हमने सेट कर दिए, इनपुट पे हमारी जो वोल्टेज है वो 3.8 आ रही है और वोल्टेज से बूस्ट करके हमने 12 वोल्ट बनाई है। अब ये 12 वोल्ट की एक LED है, हम इसको जला के देखते हैं कि इसके अंदर ये ग्लो होती है नहीं होती है। तो ये देखिए हमारी 12 वोल्ट की LED है, बढ़िया तरीके से ग्लो हो रही है। अब देखिए हम जो इनपुट सप्लाई है वहाँ पर भी जला के देखते हैं इसे, तो यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट से ये नहीं जल रही है और वोल्टेज को जब हमने बूस्ट कर दिया है तो हमारी 12 वोल्ट की जो LED है वो काम कर रही है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सर्किट जो है काम करता है। आपके पास कोई भी ऐसा सर्किट होता है कभी कभी कि उसके अंदर जो है वोल्टेज जो है कम होती है लेकिन आपको थोड़ा वोल्टेज को ज़्यादा करना होता है, तो आप यहाँ पर 1 से 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर तक आउटपुट ले सकते हो, बढ़िया वर्क करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और अब हम चेक करते हैं दोस्तों जो वोल्टेज, ये वोल्टेज जो है डाउन करता है, यानी कि अगर आपके पास 12 वोल्टेज है और आप उसको अगर 5 वोल्टेज बनाना चाहते हैं तो ये मॉड्यूल उसके लिए है। तो पहले मैं इसको जो है डिसकनेक्ट कर देता हूँ और फिर हम इस मॉड्यूल को चेक करके देखते हैं। अब तो ये वाला मॉड्यूल अब साइड में कर देते हैं, इसका जो है हमने देख लिया है कि सर्किट किस तरीके से था। अब हम ये वाला मॉड्यूल लेते हैं, इसके अंदर जो है वोल्टेज डाउन होती है, यानी कि जितनी वोल्टेज आपको इनपुट पर देनी है उससे आगे की वोल्टेज को जो है आप डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 12 वोल्ट की बैटरी का क्योंकि हमें वोल्टेज को डाउन करना है। तो यहाँ पर 12 वोल्टेज की बैटरी को मैं यहाँ लगा देता हूँ और
पहले हम इसकी वोल्टेज को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 11.9 वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पर ज़रा मैं इसमें थोड़ा सा सोल्डिंग कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। तो जैसे ही हम इसके अंदर इनपुट सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर LED ग्लो हो जाती है। ये इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे कि जैसे ही हम इनपुट कोई सप्लाई देंगे इसके अंदर तो LED से हमें पता लग जाता है कि जो हमारा सर्किट है वो ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 12 वोल्टेज की सप्लाई दी इसके अंदर और इसको मैं साइड कर देता हूँ। और आउटपुट पे जो है अभी हम वोल्टेज को देखते हैं कि अब देखिए इनपुट जो सप्लाई मैंने दी है वो हमारी देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा कार्बन लगता है आ गया। तो देखिए इनपुट सप्लाई जो है हमारी 11.89 के आसपास आ रही है, डाउन तक जाता है। तो देखिए हमारा वोल्टेज जो है डाउन में चला गया, ये देखिए, यानी कि जितना हमारा इनपुट है हम उससे वोल्टेज को कम कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है हम 5 वोल्टेज को लेने के लिए हम 7805 IC का यूज करते हैं, 7888 IC का यूज करते हैं, यानी कि 7808 का, 7805 का, 7809 का यूज करते हैं। तो उस जगह पे ये सर्किट बहुत अच्छा रहेगा कि यहाँ पर आप इनपुट पे कितना भी वोल्टेज दें और प्री सेट से एडजस्ट करके आप जो है वोल्टेज को डाउन या डाउन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 वोल्टेज बना दिया, यानी कि जो इनपुट पे 12 वोल्टेज जो आ रही थी 11.5, यहाँ पर हमने उसको 5 बना दिया। ये देखिए 5 वोल्टेज। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये सर्किट जो है आपको वोल्टेज को बूस्ट करेगा, यानी कि जितना इनपुट पे वोल्टेज देंगे आउटपुट पे आप वोल्टेज को ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि वोल्टेज आप जितना इनपुट पे देंगे उस वोल्टेज को उतना ही कम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं दोनों ही सर्किट के जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप जो है वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। और बाई करने पर ही आपको पता लगेगा कि सर्किट कौन सा आपको कितने का पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेट का जो है अलग अलग रेट होता है। तो उस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।